नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और इसी तरह से बने रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज की आज है 27 मार्च 2023, सुबह का 7 बज चुके हैं। जो भी नया स्टूडेंट है @kkartpal मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ अपडेट्स मिल जाए। आज की पहली न्यूज कैनरा बैंक से आती हुई। कैनरा बैंक ने एक अपना ज्वाइंट वेंचर था इन द रशियन ज्वाइंट वेंचर SBI को यहां पर सेल कर दिया है। कैनरा बैंक ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू सोल्ड इट सेल इट कमर्शियल इंडो बैंक LLC अ ज्वाइंट वेंचर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू SBI फॉर अप्रोक्सीमेटली 121.29 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कैनरा बैंक का एक ज्वाइंट वेंचर था, यानी कि एक साथ मिलकर वो एक कंपनी को रन कर रहे थे जिसका नाम था कमर्शियल इंडो बैंक। कमर्शियल इंडो बैंक उसका नाम था, रशिया में था। अब जो यहां पर कैनरा बैंक का अपने आप में हिस्सा था उस ज्वाइंट वेंचर में, उस हिस्से को वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच देगा, यानी कि उस ज्वाइंट वेंचर से वो निकलने की तैयारी में है और इसके लिए वो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 121.29 करोड़ रुपीज लेगा। CIBL विच वॉज एस्टेब्लिश इन 2003 में एस्टेब्लिश की गई थी, रशिया में ऑपरेट की जाती है और इसमें 60% SBI का और 40% इसमें कैनरा बैंक का हिस्सा है। तो कैनरा बैंक अपना 40% हिस्सा 121.29 करोड़ रुपीज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच देगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव इसका ओनर बन जाएगा। किसका ओनर? CIBL का। CIBL कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहां पर, CIBL क्या है? CIBL एक ज्वाइंट वेंचर था, किसका था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक का था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसमें 60% हिस्सा, कैनरा बैंक का इसमें 40% हिस्सा। अब क्या किया गया है, कैनरा बैंक ने अपना 40% का हिस्सा 121.29 करोड़ रुपीज में सेल कर दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो अब ये ज्वाइंट वेंचर नहीं रहा, अब एक्सक्लूसिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ओनर बन चुका है। CIBL 2003 में रशिया में ऑपरेट होने वाला एक बैंक है। नीचे कैनरा बैंक का स्टैटिक फैक्ट है यहां पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है। रिसेंटली कैनरा बैंक ने लॉन्च किया अपना रुपे क्रेडिट कार्ड UPI के माध्यम से। अगली खबर पर चलते हैं। सेल एंड हो चुके हैं, लेट मी चेंज द पोजीशन ऑफ द सेल। CCA ने अप्रूव किया LIC AMC एक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट राइट्स ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यहां पर क्या किया गया है, LIC IDBI में यहां पर मेजर शेयर होल्डिंग LIC के है यहां पर IDBI बैंक में, तो उसी तरह से IDBI की एक और एजेंसी है, एक और सब्सिडरी है, दैट इज IDBI म्यूचुअल फंड। अब इसके मतलब IDBI के म्यूचुअल फंड में भी, IDBI के म्यूचुअल फंड में भी LIC की यहां पर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है, यानी कि LIC जो है वो IDBI के म्यूचुअल फंड को भी एक्वायर कर रहा है। तो इसी के लिए यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसके लिए परमिशन चाहिए थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिलहाल इसकी मंजूरी दे दी है कि LIC म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट लिमिटेड जो है वो यहां पर एक्वायर कर लेगी IDBI म्यूचुअल फंड को IDBI असेट मैनेजमेंट लिमिटेड से। सो IDBI असेट मैनेजमेंट लिमिटेड एक अलग कंपनी थी जो कि IDBI म्यूचुअल फंड को चला रही थी और अब IDBI म्यूचुअल फंड आ जाएगा LIC के म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उनको जो रन करती है कंपनियां, म्यूचुअल फंड जो चलते हैं उनको जो रन करती है कंपनी, उनको हम असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वही म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है और फिलहाल जो न्यूज आई है वो ये आई है, LIC की जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने एक्वायर किया है आपका IDBI की म्यूचुअल फंड कंपनी को और इसकी मंजूरी हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको दे दी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, हाल ही में IDBI म्यूचुअल फंड को यहां पर किसने एक्वायर किया है? LIC म्यूचुअल फंड, LIC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक्वायर किया है। LIC एसेट मैनेजमेंट ने कौन सी कंपनी को हाल ही में एक्वायर किया है? IDBI म्यूचुअल फंड कंपनी को यहां पर एक्वायर किया गया है LIC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। ओके, LIC ने एक्वायर किया, सिंपल सी बात, IDBI के म्यूचुअल फंड को।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके एक्टिंग चेयरपर्सन फिलहाल टेम्परेरी संगीता वर्मा है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एलआईसी में अभी हाल ही में चेंजेस आए थे, ठीक है। अच्छा ये आई थिंक कुछ गड़बड़ है ना, ये स्टैटिक फैक्ट गलत लिख दिया यहाँ पर आई थिंक, है ना। ये कैनरा बैंक का स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर आ गया, तो इसको आप एक बार रिमूव कर देना, ठीक है। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। जियोजीत ने पार्टनरशिप किया है असैफ बैंक के साथ, असैफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यहां पर आपका एंटर हुए हैं, यहां पर एग्रीमेंट के साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। जियोजीत का एग्रीमेंट हुआ असैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जिसके तहत यहां पर बैंक कस्टमर विद स्पेशल 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट, उनको 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट होता है यहां पर क्या, 3-in-1 बंडल अकाउंट होता है जिसमें डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट तीनों होते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज क्या काम करता है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज एक प्रकार का ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज फर्म है, या फिर कह लीजिए एक प्रकार की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करती है। असैफ बैंक आपका नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर आपको दो तरीके के अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है डीमैट अकाउंट, डीमैटरलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं जो आप खरीदते हो उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, उस अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, डीमैटरलाइज्ड अकाउंट कहते हैं। ये डीमैट अकाउंट आपके रखे जाते हैं किस लिए, कि आपके यहां पर स्टोरेज की जा सके, स्टोर किया जा सके, किसको, शेयर्स को स्टोर किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब जब शेयर स्टोर कर लिए गए, उसके बाद जब शेयर्स को यहां पर सेल किया जाता है या नए शेयर्स को बाय करना है, यानी कि हमने शेयर्स की ट्रेडिंग करनी है फर्दर, तो उसके लिए यहां पर एक अलग सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है और उस अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। एक होता है डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट में केवल शेयर्स को रखा जाता है और जो शेयर्स की सेल बाय सेल होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से होती है। जो ये डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये यहां पर ब्रोकरेज फर्म्स जो होती हैं या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो यहां पर ओपन करते हैं। और अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ब्रोकरेज फर्म अगर किसी बैंक के साथ एक टाई अप कर लें, यानी कि इस केस में असैफ के साथ टाई अप किया है, असैफ क्या करेगा, सेविंग अकाउंट ओपन करेगा। तो सेविंग अकाउंट भी आपका होना अनिवार्य है अगर आप शेयर मार्केट में डील करना चाहते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे ये तीनों के तीनों अकाउंट एक ही पर्सन आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपके लिए यहां पर सुविधा तो होगी ही होगी, क्योंकि आपको अलग अलग लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट अलग बंदे से नहीं खुलवाना, आपको डीमैट अलग से नहीं खुलवाना, आपको सेविंग अलग से नहीं खुलवाना, आपको तीनों के तीनों चीजें एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे मिल रही है। आपको सिंपल एक ही फॉर्मेलिटी करनी है और आपके तीनों अकाउंट ओपन हो जाएंगे। तो ये एक कन्वीनियंस है, एक कंफर्ट जोन में आपको लेकर आना। तो यही सुविधा असैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको प्रोवाइड करा रहा है। इसके लिए इसने जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ टाई अप किया है, क्योंकि असैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक खुद से अपने लेवल पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, ना ही ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए ऑथोराइज है। वो केवल सेविंग अकाउंट खोल सकता है, लेकिन उसने टाई अप किया जियोजीत के साथ, जिससे उसके कस्टमर जो आएंगे उसकी ब्रांच में, तो वो उनसे पूछ लेगा अगर आपको डीमैट ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3-in-1 अकाउंट उनके लिए ओपन कर दिया जाएगा, ताकि आपको एक ही अकाउंट की फॉर्मेलिटी, एक ही जगह पर सारे सारे सिग्नेचर करके आपके सारे के सारे अकाउंट यहां पर खुल जाए। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसके साथ टाइप किया, असैफ के साथ, असैफ ने किसके साथ टाइप किया, जियोजीत के साथ, क्या ये काम करेंगे, 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट, 3-in-1 यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तीनों के तीनों एक साथ एक ही जगह पर एक ही टाइम पर विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज आपके लिए ओपन किए जाएंगे, ताकि कस्टमर को यहां पर सुविधा दी जा सके। अगली खबर पर चलते हैं। Amazon Pay ने टाई अप किया भारत बिल पे के साथ लोन रीपेमेंट के लिए। भारत बिल पे, भारत बिल पे यहां पर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा यहां पर मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू यहां पर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस के माध्यम से अपने यूटिलिटी बिल्स को पे करते हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, वाटर बिल, एंड ना जाने कितने सारे तरीके अलग अलग आप बिल्स पे करते हो, उन्हीं को यहां पर हम भारत बिल पेमेंट सिस्टम कहते हैं, BBPS शॉर्ट में कहा जाता है। ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है
ये यहां पर आपका प्रोवाइड किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के जितने भी डिजिटल बैंकिंग टूल्स हैं उनका यहां पर फादर एंड मदर कहा जा सकता है। उनको जो भी बनाया गया है, शुरुआत की गई है डिजिटल बैंकिंग टूल्स की, वो सभी एनपीसीआई के द्वारा ही की गई है। एनपीसीआई का ही एक टूल था बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एनपीसीआई जो है ये अलग अलग एप्लीकेशंस को, बैंक्स को इसको यूज करने के लिए लाइसेंसिंग देता है बीबीपीएस को, यानी कि अगर आप किसी भी ऐप में जाएं और वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह, यूटिलिटी बिल्स जो है इनको पेमेंट करने की सुविधा ना मिले, तो आप ये समझिएगा कि एनपीसीआई ने इनको बीबीपीएस का लाइसेंस नहीं दिया है। और अगर इनको बीबीपीएस का लाइसेंस दिया जाता है तो इनको भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट कहा जाता है, बीबीपीओयू कहा जाता है, अगर इनके पास लाइसेंस है ये सब काम करने का, यानी कि इनके एप्लीकेशन पे अगर ये चीज डिस्प्ले हो रही है आप उनको यूज कर सकते हो, तो दैट एप्लीकेशन कैन बी कॉल्ड एज दी BBPOU, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, और वो काम करती है भारत बिल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ऊपर। अब यहां पर फिलहाल जो न्यूज आई है इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि भारत बिल जो है इसको अब इस्तेमाल कर पाएंगे Amazon Pay पर, और Amazon Pay पर इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा किस पर्पज से, लोन रीपेमेंट के लिए, यानी कि अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है और अगर आप पैसा चुकाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे Amazon Pay के वॉलेट के थ्रू या Amazon Pay के UPI के थ्रू वो मेरा लोन की राशि जो है एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट जो है वो मेरे लोन अकाउंट में जाती रहे, उसके लिए यहां पर Amazon Pay ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है अपने लेवल पर। और इसके लिए यहां पर Amazon Pay ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप करके भारत बिल ऑपरेटिंग यूनिट जो है उसके थ्रू NPCI के थ्रू लोन रीपेमेंट की सुविधा प्रोवाइड कराने का फैसला किया है, कस्टमर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। यानी कि Amazon Pay है आपके पास, अगर आप लोन रीपेमेंट किसी और बैंक से लोन ले रखा है आप वहां पर जाइए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, आपकी लोन की रीपेमेंट एवरी मंथ ऑटोमेटिकली आपके Amazon Pay वॉलेट से, अकाउंट से, जो भी अकाउंट के साथ लिंक है UPI, वहां से कट जाएगी और लोन अकाउंट में पहुंच जाएगी। Amazon Pay has teamed up with the Bharat Bill to bolster its loan repayment service. It facilitated loan repayment option for customer who avail of their loan किसी भी बैंक से, microfinance institution से, non-banking financial company NBFC से, किसी से भी लोन ले रखा हो तो उनकी EMI को यहां पर टाइमली आप पे कर सकते हो। ये यहां पर Amazon Pay ने टाई अप किया भारत बिल के साथ ताकि लोन की रीपेमेंट जो है वो आसानी से की जा सके। ठीक है, तो ये चीज है आपकी यहां पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली कस्बे और मुंबई में इसका यहां पर हेडक्वार्टर है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये करंट अफेयर्स हर एक जगह काम आ जाएगा। अगली खबर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर लॉन्च किया है मोबाइल ऐप AIS फॉर द टैक्स पेयर्स। ओके, सो यहां पर मोबाइल ऐप AIS फॉर टैक्स पेयर्स के लिए यहां पर लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है आपका टैक्स पेयर्स के लिए। आप इनकम टैक्स पे करते, आप में से काफी लोग हो सकता करते हो जो कि जॉब में है, अगर आप में से काफी लोग नहीं करते तो ऑब्वियस है, मैं उम्मीद यही करूंगा कि अगले साल आप इनकम टैक्स पे ही बने, आप इनकम टैक्स पे करने के लिए यहां पर शुरुआत कर दें। एक अच्छी फीलिंग भी आती है जब पहली बार कभी इनकम टैक्स हम पे करते हैं। तो एनीवेज, उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपको वो दिन जरूर दिखाई देगा जब आप इनकम टैक्स पे करेंगे सरकार को। एंड अच्छी बात है, सैलरी मिलेगी तो इनकम टैक्स पे करना भी चाहिए और पे करना बनता भी है, और जो भी है होगा, ज़रूर होगा, पॉसिबल। फिलहाल ये जो न्यूज़ आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, अगर आपने कभी इनकम टैक्स पे किया हो या इनकम टैक्स रिटर्न को देखा हो, जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं, जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं जिसको कहते हैं, जब आप ये डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि मेरा इतना इतना इनकम टैक्स यहां पर बनता है, मेरी इतनी इनकम है और इतना टैक्स बनता है, ये टैक्स ले लीजिए, या जो भी है जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉलो करके एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हैं, लाइक दी आपकी इनकम कितनी है, इनकम की बाइफर्केशन कितनी है, उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना पे किया, किसी तरह का रिफंड अगर आता आपको आता है तो वो
आपका किसी प्रकार का टीडीएस कटा है या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कटा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपका जीएसटी है तो जीएसटी पे कितनी आपकी टर्नओवर है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर इस इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू यहां पर प्रोवाइड की जाती है। और इनकम टैक्स रिटर्न को भरने से पहले, जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न कहा, उससे पहले आप इन सब चीजों की जानकारी एक फॉर्म 26AS में एक रियल टाइम बेसिस पर भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरा कब जाता है, मान लीजिए मेरा इस साल ये जो चल रहा है अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसका मतलब क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का जो समय है, इस पीरियड के दौरान, इन 12 महीने के दौरान जितनी भी इनकम मैंने जनरेट की है, उस इनकम का जो भी लेखा जोखा होगा, उस इनकम को के ऊपर जो भी मैं टैक्स बनेगा मेरा, वो मैं अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में मैं जब भी इनकम टैक्स वाले जो भी डेट बताएंगे उस दौरान उसको पे करूंगा। तो यानी कि जो पिछले साल मैंने कमाया उसकी इनकम टैक्स जो है उसके ऊपर टैक्स जो है मुझे अगले साल पे करना है, तो अगले साल मेरी जाकर वो इनकम टैक्स रिटर्न बनेगी, पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन अगर मुझे इसी साल अपनी इनकम टैक्स के बारे में जानकारी चाहिए कि मेरी इनकम से किसी तरह का कोई टैक्स कट रहा है, क्योंकि जब भी आपको कंपनी सैलरी देती है, ऑर्गेनाइजेशन सैलरी देती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आप जिस भी टैक्स लैब में आते हैं उसके ऊपर यहां पर वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपको टैक्स काटकर आपकी सैलरी देती है एवरी मंथ। बैंक से भी आप सैलरी लेंगे, बैंक भी आपको टैक्स काटकर वो सैलरी देगा, जिसको हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं, TDS कहते हैं, ठीक है। वो टैक्स काटकर आपको बैंक देगा, यानी कि आपकी सैलरी 50,000 है, 10% मान लीजिए TDS काटता है बैंक, तो आपकी सैलरी आपके खाते में 45,000 आएगी, यानी कि आपसे 5,000 रुपए पहले ही टैक्स ले लिया गया है। अगले साल जब आप टैक्स पे करोगे, अगले साल जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तब आपका वहां पर लिखा आ जाएगा कि ऑलरेडी इसने 5,000 पे कर दिया, तो आपको दोबारा पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये जो एवरी मंथ आपका टैक्स कट रहा है, एवरी मंथ आपकी डिटेल जो है उस डिटेल को यहां पर आपका प्रोवाइड कराया जाता है रियल टाइम बेसिस पर फॉर्म 26AS में। अगर मैं अभी की डेट में चाहूं, मैं अभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना चाहता, मैं चाहता हूं कि पिछले 8-9 महीने में मेरा कितना TDS, कितना टैक्स कटा है, कितना मेरा GST में टर्नओवर है वगैरह वगैरह, बहुत सारी जानकारी और मुझे चाहिए, तो मैं इनकम टैक्स की साइट से थ्रू यहां पर अपना फॉर्म 26AS जनरेट करूंगा, और उस फॉर्म 26AS में मेरी सारी की सारी तमाम जानकारियां मुझे मिल जाएंगी। और अब यहां पर फॉर्म 26AS में दी गई इन सारी की सारी जानकारियों को बाइफरकेट कर दिया गया है। अब आपको फॉर्म 26AS में केवल जो जानकारी मिलेगी वो यहां पर आपको मिलेगी TDS और TCS से रिलेटेड, TDS और TCS से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा और एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि अब तक फॉर्म 26AS में रहा करती थी, वो सारी की सारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, उस एप्लीकेशन का नाम है ATS, उसमें आपको यहां पर ये मिलेंगी। ATS यानी कि AIS लॉन्च किया गया, दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और द टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, ये सारी की सारी एक एप्लीकेशन के थ्रू जिसका नाम AIS फॉर टैक्स पे रखा गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, इसमें ये सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और ये यहां पर डेट है 1 अप्रैल 2023, इससे यहां पर यह शुरुआत हो जाएगा। इसमें यहां पर फॉर्म 26AS के बारे में जिक्र है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपको यहां पर इस AIS ऐप पर यहां पर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं न्यूज समझ में आ गई होगी, AIS ऐप क्या है, क्या इस पर सुविधा दी जाएगी, पहले क्या किया जाता, फॉर्म 26AS क्या है। अगली खबर पर चलते हैं। IFSCA ने फॉर्म की एक कमेटी टू ऑनशोर इंडियन स्टार्टअप्स डोमिसाइल्ड अब्रोड। सो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, अगर वो यहां पर बाहर विदेश में यहां पर काम कर रही हैं, विदेश में शुरू किया था उन्होंने काम, इंडिया में अपना कोई भी ऑफिस अब ओपन करना चाहती हैं, इंडिया में कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक बड़ा एक अच्छा मौका है। अच्छा मौका यहां पर बाद में बनेगा, पहले उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को एनालाइज करने के लिए कि जो इंडियन स्टार्टअप्स अब्रॉड में सेटल्ड हैं, क्या वो इंडिया में यहां पर किस तरह से सेटल हो सकती हैं। इंडिया में गुजरात का जो गांधीनगर है उसमें एक गिफ्ट सिटी है,
गिफ्ट सिटी है जहां पर इंटरनेशनल लेवल की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वो अपनी जगह वहां पर बना रहे हैं, अपने ऑफिसेज वहां पर खोल रहे हैं। एक प्रकार का वो एक ऐसा हब है जहां से यहां पर पूरी दुनिया की कंपनीज के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। एक इंडियन कंपनीज के द्वारा वहां पर बहुत सारे बैंक्स भी ओपन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ओपन है और ना जाने कितने यहां पर और ऑर्गेनाइजेशन वहां पर अपनी ब्रांचेज ओपन कर चुके हैं। ओके, तो यहां पर एक और सुविधा दी जा रही है इंडियन स्टार्टअप्स को जो कि यहां पर बाहर स्थित हैं और उनको यहां पर इंडिया में अपने ऑफिस एस्टेब्लिश करने हैं, तो वो यहां पर गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने ऑफिसेज। और इन ऑफिसेज को एस्टेब्लिश करने के लिए एक कमेटी डिजाइन की गई है। वो कमेटी यहां पर रिकमेंडेशन देंगी कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी, कैसे होगा ये सारा का सारा काम, क्या इसके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेंगे। और इस कमेटी को यहां पर हेड करेंगे आरबीआई के पूर्व ईडी जी पद्मनाभन जी इसको यहां पर हेड करेंगे और ये यहां पर पूरा अपना रोड मैप बताएंगे किस तरह से गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में यहां पर ये आपका एस्टेब्लिश किया जा सकता है। सारी की सारी रिकमेंडेशन ये अगले 3 महीने में प्रोवाइड करवा देंगे आपकी, किस तरह से आगे ये इंडियन स्टार्टअप्स अपना जो बिजनेस है वो गुजरात के गिफ्ट सिटी में एस्टेब्लिश कर सकती हैं। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है जी पद्मनाभन जी का। अगली खबर आई है यहां पर एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप से रिलेटेड, क्रिक पे नाम की एक नई ऐप आ रही है। आपने नाम जरूर सुनोगा ड्रीम 11 का, MPL का, इस तरह की और भी बहुत सारी क्रिकेट फैंटेसी गेम्स हैं जहां पर आप यहां पर अपना कुछ पैसा लगाकर खेल सकते हैं। खिलाड़ी जो भी रियल टाइम परफॉर्मेंस करेंगे अपनी फील्ड में उसी बेस पर आपको भी यहां पर पॉइंट्स मिलते हैं और आप भी उसी के बेस पर यहां पर रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। यहां पर उसी तर्ज पर यहां पर अश्नीर ग्रोवर ने एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है क्रिक पे नाम की। आईपीएल शुरू होने वाला है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें ये जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, काफी ज्यादा लोगों के द्वारा इस तरह के मोबाइल ऐप को यूज किया जाता है कुछ ना कुछ जीतने के पर्पज से। यहां पर नुकसान भी होता है, जीत नहीं होती अकेली, ठीक है। दीज आर वेरी रिस्की गेम्स और इनकी आदत भी लग जाती है, आदत भी लग सकती है और काफी ज्यादा लोग इससे नुकसान भी हो जाता है। तो अपने बिल्कुल सेंसेस से, अपनी समझ से इन तरह की ऐप्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब इनकी एक बार आदत लग जाती है तो फिर आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इवन आप जैसे उम्र में इस तरह की आदत लगना, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शन दीज डेज जो एक यूथ्स में हो रहा है। क्योंकि एक क्रिकेट जो है उसको हम एक प्रकार से एक ऐसा गेम है इंडिया में जिसको पूजा जाता है, खिलाड़ियों को भगवान समझा जाता है बहुत सारी जगहों पर। तो यहां पर इस तरह की गेम जो कि आपके बचपन से आपके खून में बसी हुई है, इंडियन क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट या फिर क्रिकेट कह लीजिए, तो हम सब अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझते हैं कि हाँ इसके बारे में तो मुझे सब कुछ मालूम है तो मैं क्यों नहीं इससे जीत सकता। तो जब यहां पर इस तरह की एप्लीकेशन के थ्रू हम खेलते हैं और अपने आप पैसे को लगाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में अपना बहुत सारा पैसा गंवाते हैं। पैसा गवाया गया कोई इश्यू नहीं है, पैसा वापस आ जाता है, पैसा आज गवाओगे कल पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो गवाओगे वापस नहीं आता है, जो वापस आता है वो केवल और केवल पछतावा आता है, वो एक गिल्ट आता है और उस गिल्ट को जब आप लेकर चलते हो फिर आने वाला समय भी आपका खराब हो जाता है। तो इसलिए इस तरह की एप्लीकेशन से बचना चाहिए, ज्यादा अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अभी आपके पास वो समय नहीं है। हाँ ठीक है, जब 1-2 साल हो जाएंगे आपकी नौकरी लग जाएगी तब भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ तब आपके पास इतना इनफ आप समय निकाल सकते हो कि इस तरह की ऐप को आप एक एंटरटेनमेंट पर्पज से जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह की एक ऐप जो है क्रिक पे नाम की ऐप अश्नीर ग्रोवर जी के द्वारा यहां पर शुरुआत की गई है। अश्नीर ग्रोवर आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे यहां पर शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के बाद। इनकी पिक्चर आप पीछे देख सकते हैं, शायद पिक्चर से आप पहचान जाए। तो अश्नीर ग्रोवर ने यहां पर क्रिक पे नाम की इसी तरह की ऐप को लॉन्च किया है जो कि ड्रीम 11 MPL एंड द गेम्स 24/7 माई 11 सर्कल की तरह ही काम करेगी। और इन्होंने एक और चीज इसमें शुरू की है और वो है यहां पर इन्होंने अपनी ऐप के थ्रू आप किसी भी क्रिकेटर को अगर अपने लेवल पर कुछ पैसा, कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो रिवॉर्ड भी आप दे सकते हैं अपने फेवरेट खिलाड़ी को। अगर वो उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो खिलाड़ी, तो इस कंपनी को उसका 10% भी मिलेगा। तो ये यहां पर आपका थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जो कि अश्नीर ग्रोवर की ही कंपनी है।
फाउंडेड बाय श्रीनीत गरुवा, इसने एक $4 मिलियन यहां पर रेज किया था अभी हाल ही में बहुत सारे इन्वेस्टर से, और फिलहाल इन्होंने लॉन्च किया है क्रिप के नाम की यहां पर एक एप्लीकेशन को, एक फैंटेसी लीग को, एक क्रिकेट फैंटेसी लीग को, राइट ओके चलिए आगे चलते हैं। एल्बेट्रोज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट एंड दी SDSAAI डील। सो यहां पर एल्बेट्रोज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का यहां पर टाइप हुआ है किसके साथ, ये टाइप हुआ है यहां पर SDSAAI के साथ। हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज एक इंडिया डिफेंस कंपनी है, इसने यहां पर एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत यहां पर एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वहां से मैन्युफैक्चर किया जाएगा एल्बेट्रोज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट और उसको यहां पर एक्वायर किया जाएगा। ये एल्बेट्रोज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जो है ये एक अलग तरीके का एक एयरक्राफ्ट है जो कि यहां पर किसी भी कंडीशन में यहां पर उड़ान भर सकता है और यह 28 सीटर का है, पानी में अपनी लैंडिंग कर सकता है, स्नो पर, लैंड पर, जमीन पर, कहीं पर भी लैंडिंग कर सकता है, कहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है और इसकी रेंज तकरीबन ये 1000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 1000 नॉटिकल माइल्स तक यहां पर दूरी है ये फ्यूल भराकर जा सकता है और 300 नोट्स की रफ्तार से यहां पर ये चल सकता है, उड़ सकता है और इसमें 3000 kg का भार लेकर जाया जा सकता है। ये एक एयरक्राफ्ट है एल्बेट्रोज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, बनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के द्वारा, उस कंपनी का नाम है एल्बर्ट एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसके लिए यहां पर टाइप किया गया है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज एक इंडिया की कंपनी का, इसके साथ टाइप किया गया है, ये खरीदेंगे विमान को और उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये हर एक टाइप के मिलिट्री सिविलियन ऑपरेशंस में सभी जगह पर ये विमान को इस्तेमाल किया जाता है। विमान की खास बात क्या है, लैंड, स्नो या फिर वाटर पे लैंडिंग या फिर टेक ऑफ किया जा सकता है और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 नॉटिकल माइल्स की कैपेसिटी है, उड़ान इतनी दूरी तक जा सकता है, 300 नोट्स इसकी रफ्तार है और 3000 केजी का ये यहां पर भार जो है वो उठा सकता है। ये है आपका एम्फीबियस का एल्बेट्रोज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। अगली खबर, एक एमओयू साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का संत निरंकारी मंडल के साथ। कुछ रोज पहले एक ऐसा ही एमओयू नशा मुक्त भारत अभियान के तहत साइन किया गया था आपका ब्रह्म कुमारी जो है आपके माउंट आबू की संस्था, उनके साथ भी ऐसा ही एक एमओयू साइन किया गया था। अब एक और एमओयू उसी तर्ज पर साइन किया गया है फिलहाल संत निरंकारी मंडल के साथ और ये एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने और ये साइन किया है नशा मुक्त भारत अभियान को यहां पर आपका आगे सुचारू रूप से और लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। नशा मुक्त भारत अभियान हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ड्रग्स या जो अल्कोहल है या इसी तरह की और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनका सेवन करने से यहां पर लोगों को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ या फिर आदत पड़ती है या फिर यहां पर वो किसी भी तरह का कोई ऐसा एनॉय चीजें करते रहते हैं जो कि ड्रग्स से एक इल इफेक्ट से होती है यहां पर आपको, तो उनसे बचने के लिए एक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस के द्वारा और उसी के तहत वो तरह तरह की संस्थाओं से यहां पर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओस है उनके साथ यहां पर टाइप करके इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। उसी तर्ज पर यहां पर फिलहाल एक और संस्था के साथ टाइप किया गया और वो संस्था है आपकी कौन सी, संत निरंकारी मंडल। संत निरंकारी मंडल के साथ यहां पर टाइप किया गया डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नशा मुक्त अभियान के तहत टू कर्व द मैनेस ऑफ ड्रग डिमांड द MOSGE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ड्रग की डिमांड को रिड्यूस करना जो कि एक स्कीम है जिसके तहत यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट यूटी के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट यूटीज के लिए पैसा पहुंचा रही है। नशा मुक्त भारत अभियान करंटली यहां पर टोटल 372 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करता है यहां पर पूरे इंडिया में जो कि यहां पर अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज अमंग द यूथ, सब्सटेंस अब्यूज यानी कि अल्कोहल या ड्रग्स की कंजम्पशन को यहां पर कम करना, 372 डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पर इसका फोकस किया गया है और ये नशा मुक्त भारत अभियान यहां पर करंटली यहां पर ऑपरेट कर रहा है। तो दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइन एमओयू विद संत निरंकारी मंडल।
नेक्स्ट खबर है यहां पर यूएनडीपी एंड जीसीएफ ने साइन किया है एक्रीडिएशन मास्टर एग्रीमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड ने एक साइन किया है एक एक्रीडिएशन मास्टर एग्रीमेंट, लॉन्च किया है न्यू 5 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप टू प्रोवाइड वाइटल क्लाइमेट फाइनेंस टू कंट्रीज इन द क्रिटिकल डेकेड फॉर एक्शन। तो यहां पर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ एक टाई अप किया है जिसके तहत यहां पर मिलकर वो लॉन्च करेंगे अगले 5 साल के लिए एक प्लान, 2023 से 2027 के लिए प्लान, जिसके तहत यहां पर क्लाइमेट जो है चेंजेस, क्लाइमेट को कंजर्व करना, क्लाइमेट को बचाना, उसके लिए यहां पर फंडिंग दी जाएगी, उसके लिए पैसा अरेंज किया जाएगा। और ये किसने किया है, किसके साथ टाई अप, हेडलाइन में से ये क्वेश्चन बनेगा, दैट इज यूएनडीपी और जीसीएफ ने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया आपस में क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चीजें क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए ये चीज साइन की गई है। यूएनडीपी और जीसीएफ का यहां पर सर्टिफिकेट आपके सामने है। अगली खबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ फॉर सेटिंग अप द इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क इन दी विरुधु नगर। अभी हाल ही में हमने एक खबर पढ़ी थी जिसके तहत यहां पर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में 17 मार्च को खबर आई थी यहां पर आपकी कि अलग अलग स्टेट्स में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, दैट इज पीएम मित्रा पार्क्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टेप बढ़ावा देने के लिए अलग अलग लोकेशन पे। तेलंगाना जिसमें शामिल थे स्टेट्स कौन से, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इनके लिए 4445 यहां पर पैसा खर्च किया जाएगा, 4445 करोड़ रुपीज 2027-28 तक। वहां पर टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, यानी कि एक ऐसी लोकेशन जहां पर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेंगे उस एरिया में। तो उसी की शुरुआत करते हुए, पीएम मित्रा स्कीम की शुरुआत करते हुए सबसे पहला टेक्सटाइल पार्क जो बनाने की तैयारी की जा रही है वो की जा रही है तमिलनाडु के विरुधु नगर नाम की जगह पे, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाई अप कर लिया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत इंडिया का पहला पीएम मित्रा पार्क विरुधु नगर में यहां पर आएगा। इसके लिए यहां पर पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहां पर बढ़ावा दिया जाना, वहां पर एस्टेब्लिश किया जाना, यही उसका बेसिक उद्देश्य है। याद रख लीजिएगा विरुधु नगर का नाम, पीएम मित्रा स्कीम क्या है, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कौन कौन से स्टेट में पीएम मित्रा स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, और पहला स्टेट जहां पर, पहली जगह जहां पर यह टेक्सटाइल पार्क एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो है तमिलनाडु का विरुधु नगर, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु सरकार के साथ टाई अप किया है और इस पीएम मित्रा स्कीम के तहत यहां पर उनको टेक्सटाइल पार्क वहां पर एस्टेब्लिश किए जाने हैं। ठीक है, ओके, अगली न्यूज है आपकी, वर्ल्ड बैंक यहां पर इन्वेस्ट करने जा रहा है महिंद्रा लास्ट माइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट में। तो महिंद्रा की कंपनी में $73 मिलियन यहां पर इन्वेस्ट करेगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक की ही एक कंपनी है, वर्ल्ड बैंक की ही नीचे यहां पर काम करती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो यहां पर फंडिंग करेगा $73 मिलियन की महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट में। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में यहां पर सिंपल सी भाषा में बात करें $73 मिलियन कौन लगाने जा रहा है, वो लगाने जा रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यहां पर लगाएगा, कितना लगाएगा, 73 मिलियन लगाएगा, किसमें लगाएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगाएगा। ये आईएफसी की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में, महिंद्रा महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट में ये पैसा लगाया जाएगा, और पहली बार यहां पर आईएफसी जो है इस तरह की फंडिंग कर रहा है, इस तरह का पैसा इलेक्ट्रिक मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में यहां पर लगाने जा रहा है। अगली खबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी साइल इंडस्ट्री ने यहां पर टाई अप किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यहां पर फंडिंग देगा 754 करोड़ 754 करोड़ रुपीस की, और ये जो एग्रीमेंट किया गया है ये किया गया है राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जिनके नाम है बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और द सीकर। इन स्टेट्स में यहां पर तकरीबन 14.9 मेगावाट की बायोमास पावर प्लांट्स, तकरीबन 5 ऐसे बायोमास पावर प्लांट जो कि यहां पर एग्रीकल्चर रेजिड्यू से यहां पर आपका बायोमास को जनरेट किया जाएगा, बायो एनर्जी बनाई जाएगी, इसके लिए यहां पर आपका एडीबी ने यहां पर साइल इंडस्ट्री को 754 करोड़ रुपीस देने का फैसला किया। और 754 करोड़ रुपीस से क्या होगा,
तकरीबन ऐसे 5 प्लांट्स बनाए जाएंगे, 5 फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, अलग अलग लोकेशंस पे लगाई जाएंगी, इन इन जगहों पर लगाई जाएंगी, वहां पर एग्रीकल्चर रेजिड्यू से बायो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, बायोमास, और उससे यहां पर फर्दर उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, एडीबी ने यहां पर किसके साथ टाई अप किया है? साइल के साथ। साइल ने किसके साथ टाई अप किया? एडीबी के साथ। कितनी अमाउंट का टाई अप हुआ है? 754 करोड़ का। कहां कहां पर ये इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी? ये लगाई जाएंगी आपकी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट में। 5 जगह है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, ये आपस में बॉर्डर टच ही है ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट्स का आपस में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में, ये सारे के सारे नॉर्दर्न राजस्थान में आती हैं। अगली खबर पे चलते हैं। पीएफसी, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ने एक एग्रीमेंट साइन किया है तकरीबन 165 करोड़ रुपीस का विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक टाई अप किया है 165 करोड़ रुपीस का यह टाई अप हुआ है। किसका? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का, यहां पर जेबीआईसीआई के साथ, यानी कि जापान के एक बैंक के साथ, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ। इसके तहत यहां पर ये जो फंडिंग अरेंज की गई है 165, ये इस्तेमाल की जाएगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। यहां पर ये पैसा 165 करोड़ रुपीज आपका इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। कहां से लिया है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से पीएफसी ने 165 करोड़ रुपीस लिया है और उसको इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अगली खबर, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। सो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना यहां पर हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहां पर शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ में इसकी लॉन्चिंग की गई है और इसको चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम भी कहा जाता है। इस स्कीम के तहत ट्री प्लांटेशन यहां पर किया जाएगा, उसके लिए पैसा दिया जाएगा फार्मर्स को, लैंड ओनर्स को, लीजिए पैसा लीजिए और अपने यहां पर ट्री प्लांट्स जो है वो ग्रो कीजिए। इस योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर प्रोवाइड कराएगी ट्री प्लांटेशन के लिए 5 एकड़ का लैंड, उसके लिए यहां पर पूरी सब्सिडी। अगर कोई आपका खरीदना चाहता है लैंड को, ठीक है, आप खरीदिए और लेकिन उसके बदले आप खरीदिए लेकिन उसके ऊपर पूरा पूरा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे आपको सारे सारे, उसके लिए सरकार फुल सब्सिडी यानी पूरा पैसा देगी। फॉर दोज हु विश टू प्लांट ट्रीज ऑन मोर देन 5 एकड़ ऑफ लैंड, अगर कोई 5 एकड़ से ज्यादा पे लैंड पे लगाना चाहता है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन द स्टेट, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, ग्रीन कवर बढ़ाना, ग्रीनरी बढ़ाना, यही उद्देश्य है। यानी 5 एकड़ तक लैंड की तो यहां पर 100% सब्सिडी दी जाएगी। 5 एकड़ लैंड पर अपनी यहां पर ग्रो कीजिए, ट्रीज लगाइए, आपको पैसा पूरा दिया जाएगा। अगर 5 एकड़ से ज्यादा लैंड पर अगर लगाना चाहते हैं तो 50% आपको सब्सिडी दी जाएगी। ये शुरुआत की है आपकी किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगली खबर, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023 देखने को मिला। तो ये यहां पर रैंकिंग आई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहां पर आए ना आए दिन देती रहता है, कुछ क्यूरिलिस सेमेंट्स इसको पूरा नाम कहते हैं, और इसी तर्ज पर यहां पर फिर से एक बार इन्होंने रैंकिंग दी है। और ये रैंकिंग यहां पर इसमें इस बार टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT कैम्ब्रिज, जो कि यूएसए की है, इसने टॉप किया है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रैंकिंग में। जिसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है सेकंड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है थर्ड रैंक पे रहा है यहां पर आपका इस पर्टिकुलरली यहां पर कैटेगरी में। IIT बॉम्बे इंडिया का 47th पोजीशन पे रहा, IIT दिल्ली 48th पोजीशन पे रहा। और अगर मैं कुछ क्यूरिली क्यूएस की डायमंड्स की बात करूं, 13वां एडिशन है इस बार ये रैंकिंग का। एंड जो रैंकिंग दी जा रही है इसमें 54 अलग अलग कैटेगरी के बेस पर दी जा रही है, जिनको 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मेडिसिन एंड दी नेचुरल साइंस। इन अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, टोटल 54 है यहां पर आपकी। एंड इसमें टोटल 66 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो शामिल हुई है
टोटल 355 एंट्रीज इंडिया की तरफ से गई थी, लेकिन 66 यूनिवर्सिटीज ही इस लिस्ट में आई हैं। पिछले बार ये 299 था, इस बार ये 355 एंट्रीज हुई हैं और टोटल 66 इंडियन यूनिवर्सिटी को यहां पर रैंकिंग इसमें दी गई है। तो यहां पर एक तो ये टॉप तीन याद रख लेना, इंडिया की जो रैंकिंग आई है टॉप 100 में दो यूनिवर्सिटीज आई हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इन दोनों का नाम। और ये थोड़ा सा QS के बारे में यहां पर स्टैटिक दे रखा है कि QS यहां पर कौन से एडिशन है, यहां पर आपका इस बार कितनी डिसिप्लिन्स में यहां पर रैंकिंग दी जा रही है और इंडिया की कौन कितनी यूनिवर्सिटीज यहां पर इसमें शामिल हुई थी। इसके अलावा IIT बॉम्बे 92 रैंक आया मैथमेटिक्स के फील्ड में, IIT मद्रास का 98 मैथमेटिक्स के फील्ड में, IIT कानपुर 87 इंजीनियरिंग के फील्ड में, 96th यहां पर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम के फील्ड में, IIT खड़गपुर 94th कंप्यूटर साइंस में यहां पर आपका आया है, और सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो है, जो कि यहां पर एक डेंटल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, इसने जगह बनाई है अपनी टॉप 13 रैंक, इसको 13वां रैंक हासिल हुआ है यहां पर इसमें, यहां पर किसमें, दिस इज अ डेंटल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया, पब्लिक और प्राइवेट इज रैंक्ड विद इन टॉप 15 इन दिस सब्जेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री, यानी कि डेंटिस्ट के फील्ड में यहां पर आपका जो यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में उसमें इस यूनिवर्सिटी ने यहां पर जगह बनाई है, 13वां स्थान इसने हासिल किया है आपका सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस में। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो ये अलग अलग है, तो उन्हीं सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है डेंटिस्ट का, और उसी डेंटिस्ट की कैटेगरी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस ने अपनी जगह बनाई, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कैटेगरी में किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन ने जगह बनाई है। मार्केट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, That is the Dental Institute of India, Dental Institute, कौन सा Dental Institution है इंडिया में जिसने यहां पर जगह बनाई है आपकी QS World University Ranking में 13वें स्थान पर, सविता Institute of Medical Technical Science, ये Institution यहां पर Dentistry की subject में यहां पर 13वें स्थान पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये यहां पर पूरी की पूरी रैंकिंग आपकी आती हुई QS World University Ranking by Subject 2023 की। कोशिश करना जितना याद हो सके, मैंने ज्यादा इसमें डाटा दिया नहीं है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये लिखा हुआ है लेकिन इसमें डाटा है नहीं ज्यादा, लग रही है न्यूज बहुत बड़ी लेकिन इतनी ज्यादा है नहीं, मतलब फिलहाल जो फर्स्ट पेज ये दो पैराग्राफ है ये तो है ही ऊपर ऊपर वाले। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत आ सकती है, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर का रैंकिंग, ये हो सकता है आपको दिक्कत आए याद करने में, ये तो आपको याद हो ही गया होगा सविता इंस्टीट्यूट का नाम। अगली खबर M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 की यहां पर रैंकिंग आई है। ओके, सो ये रैंकिंग आई है ग्लोबल हुरून लिस्ट की, रैंकिंग यहां पर M3M हुरून ग्लोबल रिस्ट, जिसमें यहां पर बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वो यहां पर टॉप पोजीशन पर है, एलन मस्क ये तीसरे चौथे पांचवें, जिसमें हमारे देश के मुकेश अंबानी का नाम 9वें स्थान पर आया है। पहले ये गौतम अदानी जो थे ये यहां पर सबसे ज्यादा एक रिचेस्ट स्थान पर पहुंच चुके थे, लेकिन पिछले दिनों में काफी ज्यादा उनकी जो वेल्थ है वो डिट्रॉयट हुई, नेटवर्क जो है शेयर के प्राइसेस काफी कम हुए, इस वजह से यहां पर उनकी जो पोजीशन है वो भी जा चुकी है, वो ड्रॉप हो चुके हैं अपनी पोजीशन से जिस पोजीशन से वो गए थे। अभी फिलहाल उनकी रैंकिंग 23वीं आ चुकी है और एशिया में सबसे जो रिचेस्ट पर्सन थे वो भी यही बने थे, लेकिन फिलहाल एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन यहां पर मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर चाइना के जोंग शेंशेन है और तीसरे स्थान पर गौतम अदानी का नाम है एशिया के रिचेस्ट पर्सन में। ठीक है, M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की 12वीं लिस्ट यहां पर देखने को मिली है, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की यहां पर बात की गई है, और अगर मैं अमीर व्यक्तियों के अलावा सबसे बड़े लूजर्स की बात करूं जिन्होंने अपना पैसा सबसे ज्यादा गवाया है, उसमें भी मुकेश अंबानी और गौतम अदानी का नाम शामिल है। छठे स्थान पर गौतम अदानी है, जिन्होंने यहां पर अपना $28 बिलियन यहां पर गवाया है पिछले साल में। नंबर ऑफ बिलीनियर्स ऑन 2023, नंबर ऑफ बिलीनियर्स जो है पहले 3384 थे, अब उनकी संख्या 3112 रह चुकी है प्रीवियस ईयर से, जिसमें यहां पर 2356 बिजनेसेस है और 69 नेशंस में 3112 बिलीनियर्स है। इंडिया की अगर बात करूं तो साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं ये 46 स्थान पर रहे हैं उसके बाद यहां पर, और ही इज द थर्ड रिचेस्ट बिलीनियर इन इंडिया,
इंडिया में यहां पर तीसरे स्थान पर है। शिव नादर और फैमिली 50वें ग्लोबल स्थान पर रही है $26 मिलियन के साथ, और इंडिया के चौथे रिचेस्ट पर्सनैलिटी है, फॉलोड बाय लक्ष्मी मित्तल जिनका स्थान यहां पर पांचवा है। इंडिया की रैंकिंग की बात करो तो पहला तो मुकेश अंबानी, दूसरा अदानी और तीसरा साइरस पूनावाला, चौथा फिर आ जाएगा शिव नादर की फैमिली और अगला आ जाएगा लक्ष्मी मित्तल। ये भी एक रैंकिंग दे रखी है ग्लोबल रैंकिंग, साथ में यहां पर इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से दे रखा है। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही याद रख लेना जो टॉप 5 के हैं, नीचे वाले आप छोड़ सकते हो, ठीक है, नीचे वाले आप छोड़ सकते हो, राइट। लेकिन इनकी नेटवर्थ के साथ याद रखना, नेटवर्थ याद रखोगे तभी काम बनेगा, क्योंकि एग्जाम में नेटवर्थ पूछ लेते हैं रैंकिंग के बजाय। रैंकिंग तो पूछ ही लेंगे लेकिन नेटवर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेटवर्थ पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली न्यूज है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया 3700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बेल के साथ। ओके, बेल के साथ साइन किया एग्रीमेंट फॉर द रडार्स एंड रिसीवर। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 3700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर रडार्स रिसीवर खरीदे जाएंगे, जिनमें से 2800 करोड़ का पहला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें यहां पर मीडियम पावर रडार्स अरुद्रा नाम के हैं, जो उनको डिजाइन और डेवलप किया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा बेल के द्वारा। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा 950 करोड़ के का, इसके तहत रडार वार्निंग रिसीवर्स को यहां पर दिया जाएगा। तो पहला रडार्स है, दूसरा रिसीवर्स है, दो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, पहले 2800 करोड़ का, दूसरा 950 करोड़ का। 2800 करोड़ में अरुद्रा नाम की रडार को यहां पर खरीदा जाएगा और उसको बनाएगा बेल, बनाएगा डिजाइन करेगा डीआरडीओ करेगा, और अगले में 950 करोड़ में यहां पर रिसीवर्स खरीदे जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3700 करोड़ रुपीज का टोटल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर हाल ही में दिया है बेल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यह कॉन्ट्रैक्ट यहां पर असाइन किया गया है, ठीक है। सैम नो वरुणा कोस्टल कार रैली, सो ये कार रैली यहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7500 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है, उसमें यहां पर एक कार रैली का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कार रैली कल शुरुआत हुई थी और इसकी एंडिंग जो है वो यहां पर 19 अप्रैल 2023 को होगी। इसकी शुरुआत जो हुई थी आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता से हुई थी और ये खत्म लखपत गुजरात में यहां पर 19 अप्रैल 2023 को होगा। टोटल 7500 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, कोस्ट लाइन जो है उसको कवर करेगा। यानी कि आप इंडिया का मैप की बात करो तो मैं सदर्न इंडिया की बात करूं, सदर्न इंडिया नीचे है इंडिया का तरफ, तो यहां पर कोलकाता से स्टार्ट होते हुए तो जितने भी यहां पर ये कोस्टल लाइन के एरियाज है, यहां से कार रैली जाती जाती यहां से घूमती हुई इस एरिया में गुजरात तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कोस्टल लाइंस के साथ साथ जाती हुई मोटर कार जो है ये सारे के सारे एंटायर इंडियन कोस्ट लाइन को यहां पर कवर करेंगे, और इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेवी ने इसको नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के साथ मिलकर सम नो वरुणा नाम की यहां पर इस एक्सरसाइज को यहां पर शुरुआत की है। इसके लिए महिंद्रा ने यहां पर, महिंद्रा नाम की कंपनी जो है उसने यहां पर 12 व्हीकल्स प्रोवाइड कराए हैं, अलोंग विद मास्टर कार्ड इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें फ्यूल पार्टनर बना है। ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसमें फ्यूल देगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा मास्टर कार्ड के साथ मिलकर यहां पर 12 व्हीकल भी दे रहा है। ओके, सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है, कहां से स्टार्ट हुई कहां पर खत्म होगी ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इसमें फंडिंग दे रहा है, महिंद्रा दे रहा है, कितने व्हीकल्स दे रहा है, 12 व्हीकल्स दे रहा है, एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मास्टर कार्ड भी इसमें आपका शामिल है। ये है सम नो वरुणा कोस्टल रैली, कार रैली, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो, आप देख लेना। एनुअल बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 यहां पर आयोजित हुई है, इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड अरेबियन सी। रॉयल नेवी जो है यूनाइटेड किंगडम की नेवल वारफेयर फोर्स है, अरेबियन सी में कोंकण नाम की एक्सरसाइज इंडियन नेवी और रॉयल एयरफोर्स के बीच, रॉयल नेवी के बीच में यहां पर हुई है। रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम की नेवल फोर्सेज है, कोंकण 2023। अगली खबर, इजिप्ट ने ज्वाइन किया ब्रिक्स बैंक को एज ए न्यू मेंबर। सो प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी हाल ही में रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट बने थे, उसके बाद अब जाकर यहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक और मेंबर के रूप में यहां पर इजिप्ट शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2014 में हमारे ब्रिक्स नेशन जो है उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ब्राजील में एक मीटिंग हुई थी, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और उसका बेसिक उद्देश्य था कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो आईएमएफ है, वो यहां पर जो भी ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको लोन देने में प्राथमिकता दिखाती है, उनको लोन देती है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है, जो अभी उभर रहे हैं देश, उनके क्या, उनकी, उनको फंडिंग देने के लिए कौन सामने आएगा, और उनको फंडिंग देने के लिए
न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी सन 2014 में, और तब यहां पर ब्रिक्स नेशन जो है यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब ने मिलकर इसको शुरुआत की थी। और इसी एनडीबी के जो पहले हेड बने थे वो बने थे केवी कामत, नाम सुना होगा केवी कामत का, इंडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत ही फेमस बैंकर हैं, बहुत सारे बैंक्स के हेड चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। तो यही केवी कामत जी पहले हेड बने थे, और फिलहाल इसी एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, यहां पर इजिप्ट जो है नया मेंबर यहां पर बना है, इजिप्ट को यहां पर मेंबर बनाया गया है इस ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इंटेंट्स टू एनहेंस इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एनडीबी फंडिंग यहां पर बढ़ावा देने के लिए, फाउंडेड 2015, शायद मैंने 2014 बोल दिया, 2015 होगा, आई थिंक मैंने गलत बोला था, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिलहाल इसके डिल्मा रोजेफ जो है इसके प्रेसिडेंट है, एंड ये यहां पर इजिप्ट का स्टैटिक फैक्ट है। अगली खबर, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया IPEF नेगोशिएशंस इन बाली में। ओके, मेरे दोस्तों अगली कुछ खबरें आप खुद पढ़ लेना, मुझे छोटा सा एक काम है, मेरे 8:15 दूसरी क्लास भी है, तो बीच में ज़रूरी मुझे कहीं काम जाना है और होकर फटाफट से आना है। ये अगली कुछ खबरें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक ओबिचुरी की खबर है, ये इनका मृत्यु हुई है और ये डेज आ गए, ठीक है, ये तो आप खुद ही कर लोगे। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ध्यान रखना, अनअकैडमी पे 25% का डिस्काउंट आ चुका है, जो कि अभी तक आई थिंक जनवरी मंथ में आया था, 23% का डिस्काउंट आया था, और अब उसके बाद 25% का भी सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट अनअकैडमी पे आया है। अगर आप GIB की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो कि अभी हाल ही में आप में से काफी लोगों का SBI क्लर्क में सिलेक्शन हुआ होगा, तो आई वुड रिकमेंड, RRB PU RRB क्लर्क में हुआ होगा, तो आई वुड रिकमेंड टू ज्वाइन दिस GIB सेशन। अगले मंथ से मेरा नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मेरा एक नया पूरा फ्रेश कोर्स GIB का स्टार्ट हो रहा है, तो वो कोर्स भी अभी आएगा, तो उसके लिए आपको GIB का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। GIB का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का आपको इस प्राइस पे मिल रहा है और इस प्राइस पे मिल रहा है, इवन इस प्राइस से भी कम पे प्राइस पे आपको मिलेगा अगर आप यहां पर अपने क्रेडिट्स को इस्तेमाल कर ले, तो इससे भी कम प्राइस मिलेगा। आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर दिस 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पूरा चारों सब्जेक्ट्स मैं जो है वो करवा देता हूं 6 महीने के अंदर, कोड इस्तेमाल करना नहीं थी। और इसके अलावा जितने मेरे और कोर्सेज हैं, लाइक द बैंकिंग अवेयरनेस का मेरा कोर्स है जो एक्सक्लूसिव कोर्स है, वो भी काफी कम प्राइस पे आज की डेट में मिल रहा है। अगर आप LIC ADO के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस का चाहते हैं वो भी है, और बैंकिंग एग्जाम की पूरी सब्सक्रिप्शन चाहते हैं वो भी है। डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक है, मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज के भी और GIB सब्सक्रिप्शन का कोर्स का लिंक भी है, जाकर इस उन कोर्सेज को परचेज कर लो अगर आपको जरूरत है तो, जिस तरह की आपको जरूरत है उस टाइप का कोर्स आपके लिए है, चाहे बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर GIB की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अकेला बैंकिंग पढ़ना चाहते हो, अकेला इंश्योरेंस पढ़ना चाहते हो, सभी कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर 31 मार्च तक है 25% डिस्काउंट के साथ, और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे @KCardPulse सर्च कर लेगा। थैंक यू सो मच, एंड मुलाकात करते हैं रात को 10 बजे की क्लास में, जहां पर हम इसी क्लास के MCQs करेंगे।